आज के कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है श्री ब्रज भूषण लाल काबरा का हिंदुस्तानी शैली में गिटार वादन. उस्ताद अली अकबर खान, जिनके साथ आपके परिवार का संबंध पुराना है और जो आज भी आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर आपने अपनी संगीत यात्रा आरंभ करी. आपने 1950 के दशक में गिटार वादन आरंभ किया, उसमें कुछ परिवर्तन किए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वादन के अनुरूप बनाया और उसका प्रचार किया. गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अहम अंग बनाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है. आपके अनेक सीडीज रिलीज किए जा चुके हैं. संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको गुजरात और राजस्थान सरकार के गौरव पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की रत्न सदस्यता तथा आज वर्ष 2005 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आज के कार्यक्रम में आपके जो संगत कलाकार हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ. गिटार पर आपका साथ दे रहे हैं श्री देवशीष भट्टाचार्य. तबले पर हैं समकालीन पीढ़ी के जाने माने कलाकार, मेरठ अजराड़ा घराने के उस्ताद नियाजू खां और उस्ताद हशमत अली खां के शिष्य श्री अकरम खां. और तानपुरे पर श्री अरिंदम मुखर्जी. आज श्री काबरा पहले प्रस्तुत करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां की बंदिश, जो राग हेमंत और रूपक ताल में निबद्ध है. फिर उस्ताद अली अकबर खां की बंदिश, जो राग माज खमाज और तीन ताल में निबद्ध है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री ब्रिज भूषण काबरा. Thank you.
विख्यात गायिका संगीतज्ञ तथा संगीत नाटक एकेडमी की रत्न सदस्य डॉक्टर शन्नो खुराना से निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें और श्री ब्रजभूषण लाल काबरा और उनके सभी संगत कलाकारों को सम्मानित करें। डॉक्टर शन्नो खुराना। श्री ब्रजभूषण लाल काबरा, तबले पर श्री अकरम खान, गिटार पे साथ दे रहे थे श्री देबशीष भट्टाचार्य, और तानपुरे पर श्री अरिंदम मुखर्जी।